जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको मेरी? वालेकुम यस अस्सलाम। मैम। जी मैम, बेटा ये मेरे जूम का आज एक्चुअली आज कोई प्रॉब्लम था जिसकी वजह से थोड़ा सा लेक्चर लेट हो गया है। सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। नो प्रॉब्लम मैम। जी बच्चा, कौन से स्टूडेंट रिव्यू करेगा लास्ट लेक्चर का? जल्दी से शाबाश। मैम नहीं आई। आपका बच्चे, एक सेकेंड। हाँ जी, आप करें स्टार्ट। ठीक है, बताएं मैम फरियान। ने ओके मैम मैम हमने फर्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू किया था पहले दो, तो उसमें हमने एक्सरेस पढ़ी थी, फिर उसके यूजेस पढ़े थे। ठीक है, एक्सरेस जो होती है हमें स्टैटिक इमेज देती है, आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है। ठीक है, फिर हमने उसके यूजेस पढ़ लिए थे, उसके काफ़ी यूजेस है। कॉमन जो है वो है बोन फ्रैक्चर्स, और बोन फ्रैक्चर्स को हम चेक करते हैं। उसके बाद सिटी स्कैन पढ़ा था, वो भी एक्सरे की मतलब बेस पे होता है, और कंप्यूटराइजिंग उसको हम टीमोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि क्रॉस सेक्शनल और स्लाइसेस देता है हमें इमेज की। क्रॉस सेक्शनल एरिया हम ज़्यादा विजुअलाइज कर सकते हैं, और बॉडी पार्ट ज़्यादा हम जी डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिर इसके यूजेस पढ़े थे, तो इसमें हम ज़्यादा मेनली जो करते हैं वो डायग्नोज मसल बोन डिसऑर्डर डिटेल में देख सकते हैं हम इसको। ठीक है, फिर बेटा, उसके इसके अलावा बाद अब आपके अलावा कोई बॉयज में से कोई करें? शाबाश, बॉयज में से बताएं, मुझे बताएं डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी की कौन कौन सी टाइप्स हैं, जल्दी से शाबाश। बॉयज में से खुद से बता दें, बॉयज क्लास को ज्वाइन किया हुआ है बॉयज ने? एक्सक्यूज मैम, मैं बता दूं मैम जी जी बताएं, मोहम्मद यूसुफ मैम बच्चे मैम बताएं। फिर हमने अल्ट्रासाउंड पढ़ा था, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव होती है, जो कि नॉन आयनाइजिंग होती है, और वो के सेफ होती है फॉर बोथ पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के कौन लिए। सी रेज मैम होती है बेटा अल्ट्रासाउंड में? हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव होते हैं, नॉन आयनाइजिंग। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स। जी मैम। साउंड वेव्स का नाम बताएं ना। ठीक है ओके, फाइन फाइन, ठीक है ठीक है। हाँ जी आगे कि आगे। मैमोग्राफी पढ़ी थी, जो कि फिर ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम उसको यूज करते हैं। फिर हमने एमआरआई पढ़ा था, जो कि नॉन आयनाइजिंग रेज होती है, और उसमें हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक वे फील्ड हम यूज करते हैं, और साथ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो एक्टिव वेव हम यूज करते हैं उसके अंदर। फिर ओके ठीक हमने है बेटा, न्यूक्लियर। ठीक है, गुड शाबाश। ओके बच्चे फाइन। उसके बाद बेसिकली हम लोगों ने रेडियोलॉजी भी पढ़ ली है बेटा। उसकी हम लोगों ने क्या कर ली है, फर्दर सब ग्रुपिंग से पढ़ ली, जो सब स्पेशलिटीज़ हैं वो भी मैंने आपको बता दी। उसके अलावा जो हमारे पास उसकी ब्रांचेस थी हमने वो भी देख ली। फिर हमने मैंने ये भी डिस्कस कर लिया था कि मेडिकल इमेजिंग क्या है, ठीक है, क्यों जो है वो मेडिकल इमेजिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, स्पेशली बींग अ फिजिकल थेरापिस्ट। ठीक है, आज जो है वो बेसिकली हम वन बाय वन हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, एक्सरेज से डिस्कस जो है वो करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया, ब्रांचेस हो गई, स्पेशलिटी हो गया, ठीक है जी, रिव्यू हो गया। ओके सो बेसिकली बेटा, जो आज का हमारे टॉपिक है दैट इज के द रोल ऑफ डायग्नोस्टिक इमेजिंग इन रिहैबिलिटेशन एंड एक्सरेज। ठीक है, एक्सरेज को पढ़ेंगे सर आप इन डिटेल में। ठीक है, पहले तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि स्टैटिक इमेज देता है, ये वाली रेडिएशन होती है, दिस एंड दैट। अब थोड़ा सा आप इन डिटेल पढ़ेंगे कि एक्सरे आपने देखना किस तरह है, ठीक है ना, जो बेसिकली आपका काम है। उसके अलावा जो भी हम डायग्नोस्टिक इमेजिंग मोडलिटीज पढ़ रहे हैं या रेडियोलॉजी पढ़ रहे हैं, वो बींग फिजिकल थेरेपिस्ट या रिहेबिलिटेशन में आपको किस तरह हेल्प आउट करेगी। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको जो हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से ये आपको जाके जो है वो हेल्प आउट करेगा, बट जो है वो उसको आप थोड़ा सा और इन डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, फर्दर वी विल। जी जी मैम अभी सेकंड लेक्चर में से हमने बैकपैक पढ़ा गैमा था कैमरास का सेकंड किया हुआ है, लेक्चर। उसमें यस भी रहता है। मैम, यस मैम, सेकंड लेक्चर रहता है मैम, सेकंड लेक्चर में स्पेक्ट से से पढ़ना था मैम। बस स्पेक्ट एंड पेट रह गया था, वो आपने एक्सप्लेन करना। चलिए बेटा, वो ना मैं आपको एंड पे बता देती हूँ, ठीक है, ये एक डिस्कस कर ले पॉइंट, फिर मैं आपको बताती हूँ। आप मुझे ओके स्टार्ट मैम, में कह देते, एक्चुअली दो सेक्शन है ना, तो सेकंड जो सेक्शन था उन्होंने कंप्लीट कर लिया था, आई थिंक आपका रह गया था। ठीक है बच्चे, तो एक तो हम रोल पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक इमेजिंग एंड रिहैबिलिटेशन, फिर एक्सरेज जो है उसको इन डिटेल पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू एक्सरेज। ठीक है जी, एक्सरेज किस तरह से प्रोड्यूस होती है, पार्ट्स ऑफ एन एक्सरे मशीन, यूजेस ऑफ एक्सरेज, ठीक है, जो कि हम पहले भी डिस्कस करके कर चुके हैं, हम मजीद उसको डिस्कस करेंगे। रूल्स ऑफ एक्सरेज, ठीक है, कि आपने जब भी एक्सरे को देखना है तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, जब आप रूल्स के फॉलो करेंगे तो आपको जो है वो एक्सरे हमेशा देखना जो है वो ईजी हो जाएगा। देन हाउ टू रीड एक्सरे इमेजेस एंड डिफरेंट एक्सरे व्यूज, ठीक है, जो एक्सरे के कौन से व्यूज होते हैं और हमने जब उसको रीड करना होता है तो अगेन उसमें हमने क्या क्या फाइंडिंग जो है वो उस पर फोकस करना होता है। ओके जी, डायग्नोस्टिक इमेजिंग फॉर रिहैबिलिटेशन बिकम
फेमिलियर विद वेरियस मेडिकल इमेजिंग मोडलिटीज, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास इसका क्या बेनिफिट है कि आप जो है वो फेमिलियर हो जाएंगे मेडिकल इमेजिंग मोडलिटीज के साथ, ठीक है। जैसे कि जितनी भी हमारे पास हमने जितनी सारी मेडिकल इमेजिंग मोडलिटीज पढ़ी हैं, आप उसके साथ क्या हो जाएंगे, फेमिलियर हो जाएंगे। जब आप उसको फेमिलियर होंगे तो ही आप क्या कर सकते हैं कि पेशेंट को ईजिली जो है वो रेफर कर सकते हैं कि आपको कौन सी मोडलिटी जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। अगर आपको पता नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो पेशेंट जो है वो एक्सरे जो है वो आपके पास लेके आया, ठीक है ना, और आपको नहीं पता क्या एक्सरे जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सरे जो है वो हम विदाउट एनी रीजन जो है वो पेशेंट को रिकमेंड नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो है वो आयनाइजिंग रेडिएशन है तो पेशेंट को डैमेज कर सकती है, ठीक है। तो जब आप, अब आपको पता चलिए, तो अब आप क्या करेंगे, जब आप फील्ड में जाएंगे तो आप क्या करेंगे, पेशेंट की प्रॉपर असेसमेंट करेंगे, प्रॉपर हिस्ट्री देंगे, और फिर आप देखेंगे कि रिक्वायर्ड है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको ये बात पता चल गई है कि ये जो है वो बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, ठीक है, कैंसर कॉज कर सकता है, जेनेटिक मटीरियल को डैमेज कर सकता है, ठीक है। आप क्या हो गए, फेमिलियर हो गए, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट इमेजिंग मोडलिटीज, ठीक है जी। कौन सी इमेजिंग मोडलिटीज का क्या बेनिफिट है और क्या उसका जो है वो हमें डिसएडवांटेज हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अभी ऊपर हमने डिस्कस कर लिया कि एक्सरे जो है वो आयनाइजिंग है, आप बहुत ज़्यादा या विदाउट एनी स्पेसिफिक कॉज पेशेंट को जो है उसको रेफर ना करें, अदरवाइज क्या होगा, वो पेशेंट के लिए जो है वो हार्मफुल हो सकती है, ठीक है। फिर इसी तरह से एडवांटेज, जैसे कि हमने सीटी स्कैन पढ़ा था और मैंने आपको सीटी स्कैन में बताया था कि क्या होता है, हमें कितने अच्छे तरीके के साथ उसने क्या किया था कि स्लाइसिस के अंदर इमेज दे दिया था, ठीक है, एक क्रॉस सेक्शनल इमेज दे दिया था, ऊपर से ब्रेन को जो है वो उसने वॉल्ट से स्टार्ट किया था और बिल्कुल नीचे सेरिबेलम पॉन्स मेडुला तक जो है वो आपको उसने एक एक स्लाइस में इमेज दे दिया था। अब इसमें भी मजीद जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो इम्प्रूवमेंट आ गई है। कुछ मशीन्स होती हैं जो कि 1.5 mm के डिस्टेंस से आपको स्लाइसिस दे रही होती हैं, ठीक है, और कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं इवन कि वो आपको इससे भी कम जो है वो mm के डिस्टेंस पे जो है वो स्लाइस दे रही होती है। अब आप खुद सोचें कि अगर आपने बिल्कुल, यानी कि जैसे आप लेट सपोज कि अगर एक आपको टैटू है और उसको आप पील करके काटना शुरू करते हैं स्लाइसिस के अंदर, ठीक है, तो अगर आप मोटे स्लाइस काटेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली पता चलेगा, या जब आप बिल्कुल बारीक ब्रेक स्लाइसिस काटेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो एक जो हमारे पास सिटी है वो भी यही करा कि मतलब आप इतनी ही मोडलिटीज आ गई कि वो बिल्कुल आपको 1 mm से भी छोटा स्लाइस जो है वो बना के आपको उसका इमेज जो है वो दे देता है, ठीक है। देन बी एबल टू रिकमेंड द करेक्ट मोडलिटी गिवन एज अ केस स्टडी, ठीक है जी। तो आप ये अगेन बात आती है कि पेशेंट को एक करेक्ट मोडलिटी जो है वो क्या कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आप जो है वो पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है, कि एक्सरे करवाना है, सीटी कराना है या एमआरआई करवाना है। तो जब आपको पता होगा कि कौन सा जो है वो स्पेसिफिकली जो पेशेंट आपके पास केस लेके आया है उस केस में किस चीज़ को रिकमेंड करना चाहिए, कौन सी मोडलिटी रिकमेंड करनी है, तो ही आप जो है वो रिकमेंड कर सकेंगे। देन इंटीग्रेट डायग्नोस्टिक इमेजिंग इन्फॉर्मेशन इनटू फिजिकल थेरेपी प्रैक्टिस, ठीक है जी। अब जो भी आपने ये सारा कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये जाके आप जब प्रैक्टिस के अंदर इसको किस तरह से इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जब तक आप जो है प्रॉपरली आपको आइडिया नहीं हो जाएगा कि किसका जो है वो क्या इंडिकेशंस हैं और क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, तब तक जो है वो आप उसको अपनी प्रैक्टिस के अंदर जो है वो क्या कर सकेंगे, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे, ठीक है जी। क्योंकि देखिए पेशेंट आपके पास आता है, आप उसके बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट हम उसके कुछ स्पेशल टेस्ट करते हैं, ठीक है ना, मस्कुलोस्केलेटल टेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर हमें अगर टेस्ट से भी जो है वो क्लियर नहीं हो रहा होता तो फिर हम क्या करते हैं कि इमेजिंग मोडलिटी से जो है वो हेल्प आउट ले रहे होते हैं। तो जितना आपको अच्छा फेमिलियर नॉलेज होगा उतना ही आप जो है वो रिकमेंड भी कर सकेंगे और अपनी प्रैक्टिस के अंदर उसको जो है वो इम्प्लीमेंट भी कर सकेंगे। ओके, देन हाउ विल इट इफेक्ट ट्रीटमेंट, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली दो तरह के जो है ये रीजंस आ जाते हैं, ठीक है, दो तरह के रीजंस है हमारे पास। एक है हमारे पास क्लिनिकल रीजंस और एक हमारे पास है रिसर्च रीजंस, ठीक है, यानी कि रिहैबिलिटेशन में अगर हमने इमेजिंग मोडलिटीज को इस्तेमाल करना है तो दो तरह के रीजंस होंगे, एक क्लिनिकल और एक रिसर्च होंगे। अब क्लिनिकल रीजंस क्या हो सकते हैं, नंबर वन है हाउ इट विल इफेक्ट ट्रीटमेंट, ठीक है, कि जो भी आप इमेजिंग मोडलिटी आपने पेशेंट को रेफर की है वो जो भी आप उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके साथ उसका क्या लिंक होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इमेजिंग मोडलिटीज को किससे यूज करते हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट के लिए भी यूज करते हैं, और सेकंड मैंने आपको चीज बताई थी कि डिजीज को मॉनिटर करने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है ना। जब हमें इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट देखना है, यानी कि पहले पेशेंट आपके पास आया एंकल स्प्रेन के साथ था, ठीक है, आपने उसको ट्रीटमेंट दिया, पहले आपने एमआरआई कराया हुआ था तो आपको लग रहा था कि कहीं ग्रेड वन का टीयर है, ठीक है, फिर आपने क्या किया, वन मंथ उसको ट्रीटमेंट दिया, वन मंथ ट्रीटमेंट के बाद आपने जब उसको दोबारा देखा, दोबारा एमआरआई कराया हमने उसको, तो हमें पता चला कि अब क्या है, ट्रीटमेंट जो है वो उसका इफेक्टिव था, वो जो टीयर था वो भी खत्म हो चुका है, ठीक है, या कभी कभी ऐसे होता है कि इवन वो चीज़ जो है वो वर्स हो जाती है। तो हमें तब तक नहीं पता चल सकेगा कि पेशेंट का ट्रीटमेंट जो हम उसको कर रहे हैं वो इफेक्टिव है या नहीं है, जब तक हम इमेजिंग मोडलिटी से हेल्प नहीं लेंगे, ठीक है। इसी तरह से स्कोलियोसिस,
का आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना, जिसमें जो सी शेप स्पाइन हो जाती है उसमें भी यही होता है हमारे पास स्कोलियोसिस में, कि पेशेंट आपके पास आया जो हमने स्पेसिफिक एंगल देखना है कि कितना ज्यादा स्कोलियोसिस पेशेंट का इफेक्ट हुआ है, ठीक है। तो अब पेशेंट आया, उसका एक्सरे था, आपने एक फर्स्ट इमेज ले करवा लिया एक्सरे का, ठीक है। उसके बाद हमने उसको ट्रीटमेंट दिया, स्ट्रेचिंग करवाई, हाइड्रोथेरेपी करवाई, जो भी ट्रीटमेंट प्लान था वो प्रोवाइड किया, ठीक है। फिर हमने दोबारा एक्सरे करवाया और क्या किया कि वो जो पहला वाला एंगल था और जो पोस्ट था, ठीक है, उन दोनों को कंपेयर किया और हमें पता चल गया क्या कि पेशेंट का जो हमने ट्रीटमेंट दिया वो इफेक्टिव है। अगर नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, अपने ट्रीटमेंट को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देन हाउ विल इट इफेक्ट प्रोग्नोसिस, ठीक है जी, आपका जो पेशेंट का प्रोग्नोसिस है, जो आउटकम आ रहा है आपके ट्रीटमेंट का, वो किस तरह से उसको ये इफेक्ट करेगा। अगेन ये जैसे भी हमने ऊपर डिस्कस किया है वो सेम इसी में आ जाएगा, ठीक है। देन हाउ व्हाट अबाउट डायरेक्ट असेस, ठीक है जी। अब डायरेक्ट असेस ये है बेटा कि आप जो है वो पेशेंट को डायरेक्ट असेसमेंट उसकी कर सकते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट असेस भी कर सकते हैं उसको, और साथ आप क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट रेफर भी कर सकते हैं। अब मोस्टली ये होता है, अगर आप प्रैक्टिस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि फिजियोथेरेपिस्ट को पेशेंट जो है ना वो डायरेक्टली रेफर नहीं हो रहा होता, ठीक है। पेशेंट जो है वो कहीं से घूम फिर आके जो है ना वो आ रहा होता है पेशेंट फिजियोथेरेपिस्ट के पास, या कभी कभी ये हो रहा होता है कि जो सर्जन होते हैं या बाकी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं वो क्या करते हैं जी, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन स्लिप भेजते हैं और प्रिस्क्रिप्शन स्लिप के ऊपर वो लिख के दे देते हैं कि जी आपने इस पेशेंट को शॉर्ट वेव डायथर्मी लगानी है 10 मिनट के लिए, और आपने इसको मसाज करना है जी 5 मिनट के लिए, और बस दैट्स इट, ठीक है। यानी कि वो आपको अपने प्रिस्क्रिप्शन स्लिप के ऊपर लिख के देते हैं कि आपने इसको ये ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि आप प्रॉपरली असेस नहीं कर सकते, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। आप क्लिनिकली पेशेंट को डायरेक्ट असेस भी कर सकते हैं, और उस असेसमेंट में अगर आपको लगता है कि पेशेंट को कोई भी इमेजिंग मोडलिटी रिक्वायर्ड है तो आप उसको रेफर भी कर सकते हैं, ठीक है। देन नॉट रिस्पॉन्डेंट एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। अगर आपको लगता है कि पेशेंट जो है वो आपका कोई ट्रीटमेंट है आप उसको दे रहे हैं और वो उतना से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ठीक है ना, हम एक इवेल्युएशन करते हैं पेशेंट के और फिर हम कहते हैं कि अब 3 हफ्ते ये ट्रीटमेंट लेगा तो इसके बाद इसकी इतनी इंप्रूवमेंट आ जानी चाहिए, ठीक है। अगर वेट बेयरिंग नहीं हो रही तो पार्शियल वेट बेयरिंग हो जानी चाहिए, लेट्स सपोज, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि आपने ट्रीटमेंट दिया और आपको लग रहा था पार्शियल वेट बेयरिंग हो रही है, नहीं हो रही, तो अब क्या करेंगे हम, हमें इसका मतलब है कि हमें दोबारा से पेशेंट को रीवैल्यूएट करने का, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन में फिर हम फिजिकल एग्जामिनेशन भी दोबारा करते हैं और हम देखते हैं कि जो हमने उसको मोडलिटी रेफर की हुई थी, जो इमेजिंग मोडलिटी थी वो भी ठीक थी या नहीं थी। लेट्स सपोज आपने पहले सिर्फ पेशेंट को एक्सरे कहा हुआ था, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कि नहीं एक्सरे में इसका जो है ना वो इतना शायद क्लियर इमेज नहीं था, तो अब हम क्या करते हैं कि हम इसको MRI जो है वो रेफर कर देते हैं फॉर अ मोर क्लियर इमेज। तो एक ये भी हो सकता है कि पेशेंट अगर आपके जो ट्रीटमेंट आप उसको दे रहे हैं वो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं आ रहा तो हम अपनी रीवैल्यूएशन करते हैं और उसमें इमेजिंग मोडलिटी से हम हेल्प लेते हैं। देन पॉसिबल अनडायग्नोस्ड फ्रैक्चर, ठीक है जी। अब अनडायग्नोस्ड फ्रैक्चर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई एक पेशेंट आया आपके पास जी, वो उसको बहुत स्वेलिंग है, पेन है, सारे सिम्टम्स हैं और आपको लग रहा है फ्रैक्चर है। अब पेशेंट एक्सरे करवा के आया और एक्सरे पे आपको फ्रैक्चर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हेयरलाइन फ्रैक्चर है तो वो डायग्नोज ही नहीं हो पा रहा अब तक, और पेशेंट जो है वो वेट बेयरिंग भी कर रहा है और पाँव है तो वेट बेयरिंग जॉइंट है, तो पेशेंट का क्या हो रहा है, फ्रैक्चर ज़्यादा होता जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे कि आप जो है वो एक्सरे में नहीं क्लियर हुआ तो हम क्या कर लेंगे, नेक्स्ट सीटी करवा लेंगे, ठीक है। और सीटी जो है वो उसके अंदर हम मजीद जो है वो उसको क्लियर इमेज जो है वो देख लेंगे, ठीक है। तो हमें हेल्प मिल जाएगी मेडिकल इमेजिंग मोडलिटी से, ठीक है। यानी कि वो चीज़ जो नहीं डायग्नोज हो रही थी, मेडिकल इमेजिंग मोडलिटी ने हमें उसको डायग्नोज करने में हेल्प कर दिया। इसी तरह से डेक चेंजेस या डिजनरेटिव चेंजेस जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, जितनी भी डिजनरेटिव चेंजेस हैं, कोई ऑस्टियोफाइट बना हुआ है, जॉइंट स्पेस कम हुई हुई है, ठीक है, जितनी भी, क्योंकि आपको पता है कि बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आपके डिजनरेटिव चेंजेस के साथ बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं उनके साथ ज़्यादा जो है वो लिंक होता है, ठीक है। तो वो सारी जो है वो भी डेफिनेटली हमें इमेजिंग मोडलिटीज हेल्प करेंगी। असेस स्टेटस ऑफ हार्डवेयर, ठीक है, कोई भी अगर पेशेंट को हमने पेशेंट को कोई अंदर जो है वो कोई रॉड डली हुई है, ठीक है, कोई इस तरह का जो है वो स्पेसिफिकली रॉड डली हुई होती है पेशेंट की, ठीक है, या कोई और भी जो है वो इम्प्लांटेशन उसकी हुई हुई है, तो उसको देखने के लिए अगर हमने जो है वो देखना है तो अगेन जो है वो हम क्या करते हैं, इमेजिंग मोडलिटी से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। देन मेक क्लिनिकल डिसीजन वेदर सर्जरी वर्सेज नो सर्जिकल ट्रीटमेंट, ठीक है जी। अगर हमें पेशेंट आया है तो हमने देखना है कि आइदर हमें उसको सर्जन को रेफर करना चाहिए या नहीं रेफर करना चाहिए, ठीक है। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, मेजर सर्जरी से हम मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज के ऊपर आ गए, ठीक है ना। और फिर मिनिमली इन्वेसिव की भी अगर जरूरत नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपल उसको फिजियोथेरेपी भी दे सकते हैं, ठीक है, यानी कि नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। सो इस तरह से जो है वो हमें इमेजिंग मोडलिटीज हेल्प कर रही होती है, ठीक है बेटा। तो जब आपसे पूछा जाए तो आप कोशिश करें कि ये सारे पॉइंट्स इसी तरह से इन डिटेल में बताएं। देन रिसर्च रीजंस, बायोमैकेनिकल स्टडीज़, ठीक है जी, बायोमैकेनिकल स्टडीज़ भी जो है वो हम कर रहे होते हैं, आपका तो इसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता, लेकिन जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वो इसके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर मेडिसिन क्या कर रही होती है, सेल की फिजियोलॉजी के ऊपर जो है वो स्टडी कर रही होती है, ठीक है ना। तो अगर हमने देखना हो कि सेल, दो सेल्स हैं उनकी फिजियोलॉजी देखनी है, जैसे लेट्स सपोज आप कहते हैं कि एक कैंसरस टिशू है और एक नॉन कैंसरस टिशू है, ठीक है,
तो उन दोनों की फिजियोलॉजिकल चेंजेस को अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो हम किसके थ्रू करेंगे, बायोमैकेनिकल स्टडीज के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो हम इस तरह से रिसर्च भी कर सकते हैं। सेकंड, कोरिलेट क्लिनिकल टेस्ट विद इमेजिंग फाइंडिंग्स, ठीक है जी। जो आपने क्लिनिकल टेस्ट किया है उसको इमेजिंग फाइंडिंग के साथ फिर हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, कोरिलेट कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि जो है ये 100% पेशेंट का डायग्नोसिस यही है, ठीक है। जैसे अगर आप लोगों ने शटिका का नाम सुना हो तो शटिका के लिए हम लिजिक टेस्ट करते हैं, ठीक है। वो टेस्ट में ये होता है कि पेशेंट की एक स्पेसिफिक पोजीशन आते हैं, उस पोजीशन में पेशेंट को पेन आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जी इसको शटिका हो गई है, ये क्लिनिकल टेस्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब सेकंड हमने क्या करना है कि हम कहेंगे कि एक दफा जो है वो, क्योंकि पेशेंट जो है वो क्या है, एजेंट है, ठीक है, ऑस्टियोपोरोटिक भी हो सकती है उसकी बोन्स, तो हम मजीद उसको क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, उसको जो है कहेंगे आप ऐसे करेंगे अपना ना लंबोसैक्रल एक्सरे भी करवा लें, ताकि हम देख लें कि वहाँ पे कहीं स्टेनोसिस तो नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया, हमने क्लिनिकल या स्पेशल टेस्ट भी कर लिया और उसके साथ हमने एक्सरे भी करा लिया, तो एक्सरे की जो रिपोर्ट आएगी उन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या होगा, 100% डायग्नोसिस हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बेटा देखिए, जब तक आप डायग्नोसिस ठीक नहीं बनाते तब तक आप ट्रीटमेंट ठीक नहीं करते, ठीक है जी। और जब ट्रीटमेंट ही ठीक नहीं होगा तो प्रोग्नोसिस ठीक नहीं आएगा, तो ये पूरी एक चेन चल रही होती है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक ऐड करती हूँ। हमारे पास एक पेशेंट थी, वो जो है वो उमरा पे गई हुई थी और वो वहाँ पे स्लिप हो गई, ठीक है। वो वहाँ पे स्लिप हो गई और स्लिप होने के बाद जो है वो जब डॉक्टर के पास गई, ठीक है, वहीं पे सऊदी अरब में, तो उन्होंने डॉक्टर ने क्या किया जी, उन्होंने उनको एनसिड्स और मेडिकेशन सारी लिख के दे दी। और जो है वो उसके 3 डेज के बाद जब वो वापस पाकिस्तान आई, ठीक है, तो उनको शदीद पेन और मजीद पेन शुरू हो गया, वेट बेरिंग उनसे बिल्कुल ना हुई, ठीक है। फिर वो हमारे पास जब आई तो हमने उनको देखा जी, उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन में उनको सिर्फ उनको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब, तो हमने क्या किया जी, हमने कहा कि आपसे उन्होंने एक्सरे करने के लिए नहीं बोला था, उन्होंने कहा जी नहीं, हमें उन्होंने एक्सरे का या किसी इस तरह का कोई कुछ और करने के लिए, उन्होंने कहा था सिर्फ आप ये दवाइयाँ ले लें, ठीक है। अब देखिए 60+ वो पेशेंट थी, ठीक है, डायबिटिक थी, हार्ट पेशेंट थी, बहुत सारे इनके इश्यूज थे, चले वो एक अलग बात है, लेकिन आप एज देखिए पेशेंट की, मतलब 60+ पेशेंट अगर गिर रहा है, हिस्ट्री ऑफ फॉल के साथ आ रहा है और आप उसको कोई इमेजिंग मोडलिटी से उसकी जो है वो डायग्नोसिस के लिए हेल्प नहीं ले रहे हैं, तो ये गलत हो गया ना। अब क्या हुआ, उन पेशेंट का कहीं शायद हेयरलाइन फ्रैक्चर था, उन्होंने उनको एक्सरे नहीं रिकमेंड किया, उन्होंने वहाँ पे भी 3 डेज गुजारे, यहाँ पे आके उन्होंने आई गेस 3 डेज मजीद पाकिस्तान में गुजारे, उसके बाद वो हमारे पास आई। और जब हमारे पास आई तो हमने कहा जी नहीं, आप आज ही एक्सरे करवा के आएँ, ठीक है। जैसे ही उनका एक्सरे आया तो उसमें उनका जो था वो क्या था, डिस्प्लेस्ड नेक ऑफ फीमर का डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर था, ठीक है, और उसके बाद उनके टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ। अब आप देखिए कि यानी कि क्या हुआ, वो वहाँ डॉक्टर ने गिरा, पेशेंट गिरा है, एज उसकी इतनी ज़्यादा है, तो आप क्या, उन्होंने क्या किया, इमेजिंग मोडलिटी से हेल्प नहीं ली, ठीक है ना, उन्होंने इमेजिंग मोडलिटी से हेल्प ही, जब नहीं हेल्प ही तो डायग्नोसिस नहीं बना तो उन्होंने ट्रीटमेंट ठीक प्रॉपर नहीं दिया, ठीक है। जब ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो प्रोग्नोसिस जो है वो हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। तो इसलिए बेटा ये मैंने आपको जो पूरी स्टोरी सुनाई, इसका ये मकसद है कि जब भी पेशेंट आए तो उसमें हमने मल्टीपल फैक्टर्स जो है वो उसको क्या करना होता है, सामने रखना होता है। देन लुक एट द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ इमेजिंग टूल्स, ठीक है जी। अगर हमने कोई रिसर्च करनी है और उसमें हमने देखना है कि कोई टूल जो है वो कितना रिलायबल है, ठीक है, या क्या कितना वो वैलिड हो सकता है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि सीटी जो है वो क्रॉस सेक्शन इमेज जो है वो हमें देता है, ठीक है, तो ये इस तरह से तो नहीं हो गया ना, ये इन्होंने इस पर रिसर्च की होगी, ठीक है, रिसर्च की होगी और रिसर्च से पता चला होगा कि ये जो इस तरह से क्रॉस सेक्शन इमेज हमें देते हैं और उसमें हमें किस तरह से जो है वो किसी भी डिजीज को डायग्नोज करने में हेल्प मिल जाती है। ओके, सो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन या रिव्यू की, जिसमें आपको मैंने बताया है कि हम बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट या जो रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट में हमारे पास जो इमेजिंग मोडलिटीज होती हैं या जो रेडियोलॉजी होती है उसके क्लिनिकली हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, और अगर हम रिसर्च पे देखें तो क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वाइवा भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो ये आपको इसका आइडिया होना चाहिए। ओके जी, मुझे जब वेट करें मैं आपका जो दूसरा लेक्चर था शेयर कर देती हूँ। अच्छा बच्चे मुझे बताएं, कोई आप में से स्टूडेंट ऐसा तो नहीं है जो जिसकी आज फर्स्ट क्लास है? बच्चे यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है जो मैंने आप लोगों से शेयर की है अभी, रोल ऑफ डायग्नोस्टिक इमेजिंग या रेडियोलॉजी इन रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट, ये क्लियर है आप लोगों को सबको? इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैम सिर्फ एक पॉइंट रिपीट करते हैं। जी जी, बायोमैकेनिकल स्टडीज वाला जो पॉइंट आपने बताया था। देखें बायोमैकेनिकल स्टडीज में मैंने आपको ये बताया था कि जो बायोमैकेनिकल स्टडीज होती हैं उसमें हम क्या करे होते हैं कि जो सेल्स होते हैं ना, ठीक है, उनके अंदर जो बायोमैकेनिकल चेंजेस आ रही होती हैं, ये जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रही होती हैं उसको हम स्टडी कर रहे होते हैं,
ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दी हूँ, एक नॉर्मल सेल है ठीक है, उसका एक मेटाबॉलिक रेट है, और एक कैंसरस टिश्यू है उसका एक मेटाबॉलिक रेट है। जो कैंसरस टिश्यू है उसका मेटाबॉलिक रेट हाई होगा, जो हमारा नॉर्मल टिश्यू है उसका मेटाबॉलिक रेट जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। तो अगर हमने ये चीज़ें जो, अब हमें कैसे पता चला कि कैंसर टिश्यू जो है उसका मेटाबॉलिक रेट हाई है, इसी तरह पता चला कि हमने बायोमैकेनिकल स्टडीज की, यानी कि हमने न्यूक्लियर मेडिसिन की हेल्प ली वहाँ पे, ठीक है। अभी मैं आपको ये पढ़ाती हूँ तो शायद आपको और क्लियर हो जाए। न्यूक्लियर मेडिसिन इज अ मेडिकल स्पेशलिटी दैट यूजेस रेडियो एक्टिव मटीरियल फॉर बोथ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ठीक है जी। ये हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियर मेडिसिन क्या करी होती है, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों के लिए इसको हम यूज कर रहे हैं। उसके अलावा न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग डॉक्यूमेंट्स ऑर्गन फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ जो है वो किसी भी ऑर्गन का हमें स्ट्रक्चर या एनाटॉमी नहीं बता रही, बल्कि क्या भी बता रही है, ऑर्गन की फंक्शनिंग भी बता रही है, ठीक है। ऑर्गन की फंक्शनिंग क्या है, उसके जो फिजियोलॉजिकल या उसके अंदर जो बायोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, वो भी हमें बता रही है। तो यही बेसिकली मैंने आपको बताया था कि मेजर एक चेंज है न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर, और रेस्ट ऑफ द जो हमने रेडियोलॉजी या मेडिकल इमेजिंग की जो स्पेशलिटीज पढ़ी, ठीक है। एक क्या मैंने आपको चेंज बताया था, एक ये चेंज है कि ये हमें फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल चेंजेस भी बताती है सेल की, ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ साथ। और सेकंड मैंने आपको क्या चेंज बताया था कि ये इसमें जो हमारे पास सोर्स ऑफ रेडिएशन होता है वो कोई मशीन नहीं होती, बल्कि क्या होता है, पेशेंट होता है, ठीक है। हम पेशेंट के अंदर रेडियो आइसोटॉप्स को जो है वो इंजेक्ट करते हैं, और फिर वहाँ से रेज निकलती हैं, और उसका जो है वो क्या होता है, इमेज बनता है। Why we need nuclear medicine, branch of medical imaging that uses small amount of radio material, radio isotopes to diagnose and determine the severity or treat variety of diseases, including many types of cancers, heart diseases, gastrointestinal, endocrine, neurological disorders and other abnormalities within the body. ठीक है जी, तो मैंने आपको बताया था कि रेडियो आइसोटॉप्स, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, ठीक है, या रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, जो होती हैं उसको हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, वहाँ से फिर क्या होता है कि रेज इमिट होती हैं और उसका इमेज बनता है। और हम इसको हार्ट डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए, जीआईटी के लिए, मतलब बॉडी के जितने भी एरियाज हैं उसमें कोई भी डिजीज़ है उसको डायग्नोज करने के लिए जो है वो हम न्यूक्लियर मेडिसिन यूज कर सकते हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन सिंथेसिस इज नॉट ओनली इमेजिंग एनाटॉमी बट ऑन फंक्शन, फॉर सच रीजन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फिजियोलॉजिकल इमेजिंग मोडलिटी, ठीक है। इसको हम फिजियोलॉजिकल इमेजिंग मोडलिटी कहते हैं। आप लोगों ने फिजियोलॉजी पढ़ी भी होगी, ठीक है। तो फिजियोलॉजी में क्या होता है, हम सारा सेल का फंक्शन देखते होते हैं, ठीक है, एनाबॉलिज्म जो हो रहा है, कैटाबॉलिज्म जो हो रहा है, जो मेटाबॉलिक रेट जा रहा है, ठीक है, उसके जो चैनल्स हैं, कैल्शियम चैनल्स हैं, इनटेक आउटटेक किस तरह की हो रही है, वो सारी जो है वो हम फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो वो जो अगर हमने बिल्कुल सेल के फंक्शनल लेवल पे जाना है, उसकी फिजियोलॉजी को स्टडी करना है, तो हमें कौन सी जो है वो रेडियोलॉजिकल स्पेशलिटी हेल्प करेगी, न्यूक्लियर मेडिसिन हेल्प करेगी। देन पेट इज अ फंक्शनल इमेजिंग टेक्निक दैट यूजेस रेडियो ट्रेसर्स टू मेजर चेंजेस इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस और इन अदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग ब्लड फ्लो, रीजनल केमिकल कंपोजिशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है जी। तो पेट भी जो है वो बेसिकली न्यूक्लियर मेडिसिन का ही जो है वो एक इसकी सब ब्रांच है, इसकी सब टाइप है, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, जिसमें आपको बताया रेडियो ट्रेसर्स जो है वो पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करते हैं, और वो कौन कौन सी फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है वो देख रहा होता है, मेटाबॉलिक रेट देख सकता है, ठीक है, वहाँ ब्लड फ्लो किस तरह का है सेल के अंदर वो देख सकता है, केमिकल कंपोजिशन क्या है सेल की, ठीक है ना, वो भी ये देख सकता है। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन, जो हमारी बॉडी में डिफरेंट केमिकल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है, वो भी देख सकता है। तो अब आप देखिए, जो अभी आप यहाँ पे स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि बायोमैकेनिकल स्टडीज, तो बायोमैकेनिकल स्टडीज में भी हम यही कर रहे होते हैं, हम सेल के जो बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती है ना सेल के अंदर, उसको स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि जो है वो कोई भी टिश्यू है उसका मेटाबॉलिक रेट क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि कैंसर टिश्यू का मेटाबॉलिक रेट हाई है और नॉर्मल टिश्यू का जो है वो कम होता है, ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चला, हमने न्यूक्लियर जो मेडिसिन है उसके थ्रू भी इसको पता किया, ठीक है। इसी तरह से कोई सेल है उसकी केमिकल कंपोजिशन किस तरह से डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है ना, इनटेक आउटटेक कैल्शियम का अगर डिस्टर्ब हो रहा है, पोटाशियम का डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसको अगर हमने स्टडी करना हो तो हम कैसे हमें पता चलेगा, ठीक है। तो हमें न्यूक्लियर मेडिसिन हेल्प करेगी, यही बायोमैकेनिकल स्टडीज होती हैं, और इसीलिए ही हम इसको जो है वो न्यूक्लियर मेडिसिन को फिजियोलॉजिकल इमेजिंग मोडलिटी भी कह रहे होते हैं, ठीक है। दो चेंजेस हैं, मैं आपको फिर से जो है वो रिपीट कर देती हूँ, दो मेजर चेंजेस हैं, एक ये कि ये स्ट्रक्चर के साथ साथ फिजियोलॉजिकल चेंजेस को भी फोकस करिए न्यूक्लियर मेडिसिन, और सेकेंड क्या है कि इसमें हमारे पास सोर्स ऑफ रेडिएशन जो है वो कोई मशीन नहीं है, जबकि सोर्स ऑफ रेडिएशन क्या है, पेशेंट इट्सेल्फ है, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूंगी कैसे पेशेंट सेल्फ है, तो आप कहेंगे कि इसमें हम पेशेंट के अंदर रेडियो आइसोटॉप्स को, रेडियो ट्रेसर्स को इंजेक्ट करते हैं जिस भी एरिया को हमने देखना हो, अब फिर वहां से जो है वो रेज इमिट होती है और उस इमेज जो है वो स्क्रीन के ऊपर बनता है और हमें जो है वो पता चल जाता है, ठीक है बेटा। अब मुझे यहां तक बता दें अगर किसी स्टूडेंट को न्यूक्लियर मेडिसिन का कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है तो। ओके
ओके फाइन, क्लियर है आप सबको? ठीक है बच्चे, अब उसके अलावा जो मोडलिटीज हमारे पास इसमें आ जाती है, ठीक है, कौन कौन सी हैं? गैमा कैमरा है, पेट स्कैन जिसमें आपको बताया था, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी है, सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसको हम स्पेक्ट कहते हैं, ठीक है। आई थिंक गैमा कैमरा हमने पढ़ लिया था, लेकिन मैंने अगेन आपको थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करवा दिया। गैमा कैमरा इज एन इमेजिंग डिवाइस यूज्ड इन न्यूक्लियर स्कैनिंग। इट वाज इन्वेंटेड बाय एच एंगर एंड इज ऑफन रेफर्ड टू एज द एंगर कैमरा। द रेडियो ट्रेसर इंजेक्टेड इनटू द वेन इमिट गैमा रेडिएशन एट इट डिकेज। अ गैमा कैमरा स्कैन्स द रेडिएशन एरिया एंड क्रिएट्स एन इमेज। गैमा कैमरा वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल। ठीक है जी, तो अब बेसिकली क्या है, ये प्रिंसिपल रेडियो फार्मास्यूटिकल का भी यही है कि जब भी हम बॉडी के अंदर कोई भी रेडियो आइसोटोप रेडियो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन को इंजेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, वहाँ से रेज जो है वो इमिट होते हैं। ठीक है, इसलिए ही इसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, रेडियो फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल यानी कि मेडिकेशन, और रेडियो यानी कि वो मेडिकेशन जहाँ जो रेज इमिट कर रही हैं, जो रेडिएशन इमिट कर रही हैं, उनको हम कह रहे हैं क्या, रेडियो फार्मास्यूटिकल। ठीक है, तो कैमरा कैमरा में भी हम रेडियो फार्मास्यूटिकल बेसिकली प्रिंसिपल पे काम कर रहे होते हैं। इसको हम एज एंगर कैमरा भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि उसने जो है वो डिस्कवर किया था। और अगेन जैसे मैंने आपको बताया है, जिस भी एरिया को हमने जो है वो विजुलाइज करना हो, वहाँ पे वेन में जो है वो इसको इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और वहाँ से फिर वो जो एरिया है वो विजुलाइज हो जाता है। ठीक है, इस तरह की ये जो है ये बेसिकली इसकी मशीन होती है। क्योंकि बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको मशीन की बहुत ज़्यादा इन डिटेल्स नहीं पता होनी चाहिए, बट यस आपको जो है ये ज़रूर पता होना चाहिए कि गैमा कैमरा जो है उसका क्या पर्पज़ है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है पीछे। इसके अलावा थायराइड स्कैन के लिए यूज़ करते हैं, बोन स्कैन के लिए यूज़ करते हैं, हाइडा स्कैन के लिए यूज़ करते हैं, डायनामिक रीनल स्किनटोग्राफी के लिए यूज़ करते हैं, निकल स्कैन के लिए यूज़ करते हैं, ब्रेन स्कैन के लिए यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था हाइडा स्कैन में भी ये होता है कि जो हम गॉल ब्लैडर और इसकी स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, और ये रीनल जो है वो स्किनटोग्राफी, ठीक है, जिसमें हम देख रहे होते हैं कि कोई जो है वो SH ब्लॉकेज तो नहीं आ रहा इस लेवल के ऊपर यूरेटर के अंदर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर तो कोई डैमेज नहीं आ रहा, ठीक है, ये हम देख लेते हैं। और उसके अलावा मिकल स्कैन है, ठीक है, इसमें भी हम देख लेते हैं कि जो है वो सेल के जो फिजियोलॉजिकल लेवल पे जो है वो क्या चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो ब्रेन स्कैन है, ठीक है, ब्रेन स्कैन में भी अगेन अगर हमें जो है वो CT स्कैन से नहीं चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो फिर भी जो है वो हम इससे देख लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, ठीक है, ये हो गया लिवर, हो गया गॉल ब्लैडर, हो गया इसमें आपका आ गया किडनी, और मिकल स्कैन में मैंने आपको बता दिया आ गया आपका क्या, बेसिकली इंटेस्टाइन जो है हम देख रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आ रहे थे आपके पास स्पेक्ट, सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटेड फोटो टोमोग्राफी, मल्टीपल व्यूज ऑफ 3-डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, डिटेक्टर सिस्टम रोटेटेड अराउंड द ऑब्जेक्ट सो दैट मेनी डिफरेंट एंगुलर व्यूज प्रोजेक्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर ऑब्टेन्ड, रिकंस्ट्रक्टेड इमेजेस फ्रॉम मल्टीपल प्रोजेक्शंस इमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, मल्टीपल पैनल व्यूज रिक्वायर। ठीक है जी, अब इसको हम इमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी इसीलिए कह रहे हैं कि ये क्या कर रही है, डिफरेंट इमेजेस हमें जो है वो इमिट कर रही है। ठीक है, यानी कि सिंगल फोटोन इमिशन टोमोग्राफी का क्या मतलब है कि सिंगल फोटोन है और वो आपको डिफरेंट प्रोजेक्शंस, ठीक है, या डिफरेंट एंगल्स के अंदर इमेज को जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, अगेन क्योंकि ये न्यूक्लियर मेडिसिन की जो है वो एक हमारे पास मोडलिटी है, इसलिए क्या करेगी, ये स्टडी किसको करेगी, सेल की जो बायोलॉजिकल चेंजेस हैं और जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं उसको ही स्टडी करेगी। ठीक है, अब ये हमारे पास इस तरह से स्पेक्ट जो है वो मशीन होती है, ठीक है जी, जिसको हम यूज करते हैं। ओके जी, ये साइंस ऑफ कंसोलिडेशन है बेसिकली। अब आपको जैसे मैंने बताया था कि स्पेक्ट में या जैसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रही होती हैं, ठीक है, तो ये जो है वो जो एरिया डार्कर इसमें आ जाता है नज़र, उसका मतलब होता है कि वहाँ पे क्या है, कोई भी मेटाबॉलिक रेट या कोई भी जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो क्या है, थोड़ा सा हाई हुआ। ठीक है, ये जब हम इंशाल्लाह और इन डिटेल पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। अभी आप बेशक इसको जो है वो थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, जब हम न्यूक्लियर मेडिसिन पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको और इन डिटेल बता दूँगी। यूजेज ऑफ स्पेक्ट, ब्रेन डिसऑर्डर्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, बोन डिसऑर्डर्स। ठीक है जी, अगेन वही बात आ जाता है कि हमने इन सब जो डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि ब्रेन का कोई डिसऑर्डर है और उसको हमने बिल्कुल फिजियोलॉजिकल लेवल पे जाके दे जो है वो स्टडी करनी है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेरेब्रल कॉर्टेक्स का कोई एरिया और हमें लगता है कि वहाँ पे जो है वो उसको हमने देखना है कि ट्यूमर कोई ग्रो हुआ था और उस ट्यूमर की हमने कौन सी स्टडी करनी है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखनी है उसकी। ठीक है, यानी कि पेशेंट को कीमोथेरेपी ले रहा है और हमने देखना है कि पहले उस जो है वो कैंसर टिश्यू कितना ज़्यादा डेवलप हुआ था और अब जो है वो उसकी जो एक्टिविटी है कैंसर टिश्यू की, ठीक है, वो जो है वो सप्रेस हुई है कीमोथेरेपी के बाद या नहीं हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं, स्पेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से कोई बोन डिसऑर्डर है, कोई हार्ट प्रॉब्लम्स है, उनको भी जो है वो हमने अगर स्टडी करना हो तो स्पेक्ट यूज़ कर सकते हैं। देन थर्ड आ जाता है हमारे पास स्पेक्ट,
पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी दैट इज एन इमेजिंग टेक्निक दैट असिस्ट इन द डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ मेनी डिजीजेस पर्टिकुलरली कैंसर. PET images show metabolism and other functionals rather than the gross anatomy and structures relieved by the conventional X-ray and CT scan. As a result, PET can examine the fundamental biological nature of the disease that occurs early on, the even before symptoms occur in some cases, while CT and MRI examine structural alteration due to disease that may occur later. Clinicians can use this unique information to detect diseases better in its early stages when treatment is simpler and more effective. They can also use it to provide accurate assessment of the therapeutic purpose. ठीक है बेटा, तो अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर हमने किसी भी सेल की, किसी भी टिश्यू की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को जो है वो स्टडी करना है, तो उसके लिए हम आप कहेंगे कि हम, मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, फिर मैं आपको कहूंगी कि न्यूक्लियर मेडिसिन में कौन सी इस तरह की मोडलिटी है जो कि स्पेसिफिकली हम यूज़ करते हैं अगर हमने किसी भी डिजीज़ की अर्ली डिटेक्शन करनी हो. ठीक है, किसी अर्ली स्टेज पर उसकी डिटेक्शन करनी हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो फिर आप उसमें बता सकते हैं कि अर्ली स्टेज डिटेक्शन जो है उसके लिए स्पेसिफिकली हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, PET यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक है, यानी कि आप देखें कि इतनी अर्ली स्टेज पे PET जो है वो आपको फिजियोलॉजिकल चेंजेस बता देगा, सेल की बायोलॉजिकल चेंजेस बता देगा, जब पेशेंट को जो है वो प्रॉपरली सिम्टम भी आना स्टार्ट नहीं हुए होंगे. ठीक है, कोई भी डिजीज़ है उसके सिम्टम भी नहीं आना स्टार्ट हुए होंगे तो PET उसको पहले अर्ली जो है वो डायग्नोज कर लेगा. ठीक है, कि सेल की क्यों सेल कर लेगा, हमें क्यों बताएगा, इसलिए बताएगा कि वो कंपोजिशन को देख लेगा. ठीक है, नॉर्मल सेल की अर्ली स्टेज के लिए हम मैमोग्राफी भी यूज करते हैं, मतलब कोई कैंसर हो बिल्कुल करते हैं. लेकिन देखिए बेटा, मैमोग्राफी क्या करती है, वो आपको इमेज दे रही है. अगेन वही बात आ जाती है, मैमोग्राफी आपको फिजियोलॉजिकल चेंजेस तो नहीं बताएगी ना, बायोलॉजिकल नेचर तो नहीं बताएगी इस डिजीज की. कैंसरस टिश्यू में क्या हो रहा होता है, म्यूटेशन कितनी रैपिड हो रही होती है, ये हमें कैसे पता चला है कि कैंसर टिश्यू में मेटाबॉलिक रेट हाई है. ठीक है, कैंसर टिश्यू में जो है वो म्यूटेशन हाई होती है, ये हमें सब कुछ कैसे पता चला है, PET से पता चला. ओके मैम. ठीक है, yes, तो ये तो मैं आपको बता रही हूँ. देखिए, अगर किसी पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो वो क्या करेगा, वो आपको आगे कहेगा कि मुझे लगता है कि, फॉर एग्जांपल बिल्कुल अर्ली स्टेज में, तो कहेगा जी मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल छोटा सा मुझे कोई ब्रेस्ट में लम्प सा फील हो रहा है. तो आप देखें डॉक्टर साहब, ये कुछ जो है वो कोई इस तरह तो नहीं है, कोई कैंसर वगैरह तो नहीं है. तो अब क्या है, आप उसमें फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स देख सकते हैं. आप देखेंगे जी पेशेंट एजेंट है, ठीक है, और उसके अलावा जो है वो हो सकता है उसका कोई वो रेडियोलॉजिस्ट हो, उसका रेडिएशन एक्सपोजर भी हो रहा है. ठीक है, तो पेशेंट की हम पूरी केस हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद हमें लगेगा कि नहीं, हो सकता है कि इसको क्या है, कैंसर टिश्यू इसकी ब्रेस्ट में डेवलप हो रहा है. ठीक है, बेशक पेशेंट से आप सिम्टम पूछ चुके हैं, मुझे कोई सिम्टम इतने पास आ नहीं रहे, लेकिन हमें क्या हो रहा है, हमें डाउट हो रहा है कि हो सकता है इसको कैंसर हो. ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे, फटाफट पेशेंट को न्यूक्लियर मेडिसिन के थ्रू PET स्टडी जो है वो रिकमेंड कर देंगे, और PET स्टडी आपको बिल्कुल बता देगी कि जी ब्रेस्ट में जो लंप बना हुआ है उसकी बायोलॉजिकल चेंजेस, उस जो टिश्यूज है उसके अंदर बेसिकली कोई बायोलॉजिकल चेंजेस आ रही है, यानी कि एबनॉर्मल बायोलॉजिकल चेंजेस आ रही है. ठीक है, म्यूटेशन रेट नॉर्मल है, मेटाबॉलिक रेट नॉर्मल है, सेल मल्टीप्लिकेशन रीजनरेशन नॉर्मल है. अगर नहीं नॉर्मल तो उससे सीधी सी बात है, पता है कि सेल डिस्टर्ब हो गया उसकी बायोलॉजिकल नेचर. ठीक है, तो ये इसलिए हमें हेल्प हो रही होती है इस तरह से. ठीक है बेटा, आई थिंक कि ये पॉइंट क्लियर हो गया. Often replaces multiple medical testing procedures with a single exam while producing imaging information of superior quality. Images and measure metabolic processes, reduce patient risk, improve treatment of outcome, may reduce or eliminate ineffective and unnecessary surgical and medical treatment and hospitalization, avoid needless pain to the patient, it is safe. ठीक है जी, तो मैंने आपको जैसे बता दिया अर्ली डिटेक्शन करती है, बाकी सारी जो इमेजिंग है हमारे पास या न्यूक्लियर मेडिसिन में जो बाकी दोनों है उससे ये जो है वो सुपीरियर लेवल पे है. क्यों? क्योंकि अर्ली हमें डायग्नोस करके बता देती है. ठीक है, मेटाबॉलिक रेट या जैसे मैंने आपको सबसे पहले ऊपर हमने पढ़ा है कि PET स्पेसिफिकली कैंसर के लिए ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है, कैंसर के लिए ही पेशेंट को रेफर कर रहे हैं, तो कैंसर के लिए कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो हमें मेटाबॉलिक रेट के ऊपर जरूर फोकस कर रहा होगा. ठीक है, उसके अलावा अब ये है कि पेशेंट जो है वो कभी कभी इस तरह होता है डायग्नोसिस ही नहीं बन रहा होता और फार्म फाइव में पेशेंट तीन तीन महीने के लिए, चार चार महीने के लिए, छः छः महीने के लिए आईसीयू में जो है वो एडमिट होता है. ठीक है ना, उसको हॉस्पिटलाइजेशन होती है और वो जो है वो उसको एक्सपेंसिव भी पड़ रहा होता है. ठीक है, या कभी कभी क्या होता है मेडिकेशन चल रही होती है आईसीयू के अंदर. ठीक है, या क्या होता है कि कभी कभी डॉक्टर से डायग्नोसिस नहीं बन रहा होता और वो क्या कर रहे होते हैं उसको ऐसे ही उन्होंने उसको सर्जरी जो है वो उस पर सर्जरी भी कर देते हैं पेशेंट को. ठीक है, हम ये इन सब चीज़ों से पेशेंट को ना पास करें, उसके लिए सबसे चीज़ हमारे पास क्या है कि हम उस डिजीज़ की अर्ली डिटेक्शन कर लें, किसके थ्रू, PET के थ्रू. ठीक है बेटा, अब ये आपको एक अदद इमेज नज़र आ रहा होगा, ये क्या है, ब्रेन का PET स्कैन है. अब आप इसमें देखें ये जो आपको नज़र आ रहे हैं रेड ब्राइट एरियाज. ठीक है, मैंने जैसे भी आपको बताया था कि PET क्या करता है या न्यूक्लियर मेडिसिन क्या करती है कि ये इमेज इस तरह का आपको देती है और उस इमेज के ऊपर क्या होता है कि जो एरियाज आपको ब्राइट नज़र आ रहे होंगे ना, इसका मतलब है कि वहाँ का मेटाबॉलिक रेट क्या है, हाई है. ठीक है,
अब आप देखिए दिया तो इसने भी आपको साइसेस में इमेज है, ठीक है ना, सीटी स्कैन की तरह, लेकिन क्या चेंज है, ये चेंज है कि इसने आपको बोन्स नहीं दिखाई हुई ज्यादा, ठीक है ना, आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं पता चल रहे हैं कि यहाँ पे कोई जो है वो कोई स्कल का फ्रैक्चर तो नहीं हुआ हुआ, ठीक है ना, स्कल बोन में फ्रैक्चर तो नहीं है, ठीक है, आपको कुछ भी इस तरह का चेंजेस नहीं नजर आ रहे हैं। आपको जो ज्यादा स्पेसिफिकली नजर चेंज आ रही है वो क्या आ रहा है, सेल का फंक्शन के ऊपर ही फोकस कर रहा है, ठीक है, हमें यहाँ पे टिश्यूज भी नहीं नजर आ रहे हैं, मसल्स भी नहीं फोकस हो रहा है, ठीक है, कोई चीज फोकस नहीं हो रही है, लेकिन क्या चीज फोकस हो रही है कि उसकी जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है। अब ये किस तरह फोकस हो रही है, अगेन हमने क्या किया, इंजेक्ट किया हुआ है इसको रेडियो आइसोटॉप, ठीक है, उस रेडियो आइसोटॉप को ने इंजेक्ट जाके ब्रेन के जो जो एरिया जहां जहां पे मेटाबॉलिक रेट हाई था उसको आपको ब्राइट करके दिखा दिया, ठीक है। तो अब आपको इस लेवल पे अभी तक कितना सिर्फ पता होना चाहिए कि पेट स्कैन में जो हमें फाइंडिंग है वो क्या है, तो ये फाइंडिंग है कि पेट स्कैन जो फाइंड आता है, फिल्म आती है उसकी, तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि जो एरियाज ब्राइट है वो हमें ये शो कर रहे होते हैं कि वहाँ पे क्या है, उस टिश्यू का मेटाबॉलिक रेट जो है वो क्या है, हाई है, और जो मेटाबॉलिक रेट हाई है तो डेफिनेटली वो क्या है, नॉर्मल टिश्यू नहीं है, वो कोई एबनॉर्मल टिश्यू है, ठीक है। जब इसके बाद इंशाल्लाह हम इसके अलावा डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर आपको इसमें आपको मजीद बताऊंगा, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारे पास, जी जी मैम, ब्रेन पेट स्कैन का जो आपने बताया ना, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री में देखा था, वो डॉक्टर पेशेंट का जब कर रहा होता है ना, वो उससे क्वेश्चनिंग करता है कि आप अपने हैप्पी मोमेंट्स बताएं, आपने सैड मोमेंट्स बताए, फिर उसके ब्रेन में ये चेंजेस आ रही होते हैं, तब तो मुझे समझ नहीं आई थी, इसलिए मैं आपसे पूछी मैम, ये चेंज करता रहता है ना, लाइक रेड ज्यादा होने लग जाता है, येलो कम होने लग जाता है इमोशंस के साथ। हाँ जी बिल्कुल बेटा, देखें आप देखें जो डिप्रेशन अगर हमें ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो डिप्रेशन में हमारा कौन सा जो है वो आप मुझे बताएं, वो होता है रिलीज होता है हार्मोन सबसे ज्यादा, कौन सा स्टूडेंट बताएगा, सॉरी सेरोटोनिन लेवल हाई होगा कि लो होगा, हम लो होगा, ठीक है, सेरोटोनिन लेवल जो है वो हमारा लो हो जाता है, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, डेफिनेटली हमारे जो केमिकल कंपोजिशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखिए ब्रेन में भी तो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स आ रहे हैं ना, सारा इमेजेस लेके जा रहे हैं, मैसेजेस लेके जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो जो है वो इसीलिए देख रहे होते हैं कि पेशेंट का जो बेसिकली मेंटल हेल्थ स्टेटस है वो जो है वो भी नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से भी हमारे सेल के जो फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, ठीक है। तो वो इसी वजह से देख रहे हैं कि पेशेंट को उन्होंने नॉर्मल रखे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें भी हमारे पास लाइव इमेजिंग हो सकती है, तो वो फिर देखेंगे अगर आपको मतलब होता है ना डाउट हो रहा है कि हो सकता है कि पेशेंट का जो है वो हेल्थ स्टेटस की वजह से टेम्परेरी जो है वो ये चेंज आया हुआ, ठीक है ना, सेल के अंदर टेम्परेरी चेंज आया हुआ है, क्यों, क्योंकि पेशेंट का हेल्थ स्टेटस इस तरह का है। अब आप देखिए जब कभी कभी होता है कि हम सीबीसी कराते हैं नॉर्मल, ठीक है, तो सीबीसी में क्या होता है कि पेशेंट के अक्सर जो है वो जो लिम्फोसाइट काउंट होती है वो जो है वो डिक्रीज हुई होती है, ठीक है, WBC जो है वो रेज्ड हुए होते हैं, तो उसका क्या मतलब है कि वो पेशेंट को कोई ना कोई सिंपल सा कोई UTI हुआ हो या कोई इन्फेक्शन हुआ हो जिसकी वजह से इस तरह आ रहा होता है, ठीक है, ये पेशेंट को डिहाइड्रेटेड होता है उसकी वजह से एक टेम्परेरी जो है वो हमारे पास जो है रिपोर्ट में चेंज आ रहा होता है। तो वो जो आप क्वेश्चन वाली बात करी हुई वो भी वो यही होता है कि वो देख रहे होते हैं वो क्रॉस वो कोरिलेट कर रहे हैं बेसिकली, कि जैसे मैंने आपको पीछे बताया था वो कोरिलेट कर रहे होते हैं कि ये कंडीशन जो है वो जो चेंज आ रहा है फिजियोलॉजिकल या जो केमिकल कंपोजिशन में हमें चेंज नजर आ रहा है वो आइदर टेम्परेरी है, ठीक है, पेशेंट की मेंटल हेल्थ स्टेटस के साथ रिलेटेड है, या जो है वो बॉडी के अंदर ये परमानेंट जो है वो कोई बायोलॉजिकल चेंज जो है वो आ गया होगा, ठीक है। तो बेटा मैंने आपको इसलिए बताया था कि इसको हमें मजीद रूल आउट जो है वो सिर्फ एक चीज़ से हम रूल आउट नहीं करते, हम उसको कंपेयर कर रहे होते हैं। Then hybrid imaging refers to the fusion of two or more imaging modalities to form a new technique by combining the innate advantage of the fused imaging technology synergistically using a new and more powerful modality comes into being. Existing hybrid imaging modalities comprise PET CT, SPECT CT, MRI PET, MRI SPECT, ultrasound and MRI, ultrasound and CT, MRI and CT. ठीक है, तो बेसिकली हम मजीद अगर हमें कोई एक सिंगल मोडलिटी जो है वो हमें नहीं मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने सीटी कराया है आपको उससे भी जो है वो क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, हमने पेट करा लिया उससे भी हमें चीज़ क्लियर नहीं हुई है, तो हम क्या करते हैं कि फिर उन दोनों को एक कंबाइन करके उन दोनों के रिजल्ट्स को जो है वो कंबाइन करके जो है वो उन दोनों को जो है वो कंपेयर करके या कोरिलेट करके जो है वो देख रहे होते हैं कि पेशेंट को जो है वो क्या डिजीज़ है या उसको मजीद एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनाने के लिए, जिसको हम कह रहे होते हैं क्या, हाइब्रिड इमेजिंग टेक्निक, ठीक है। इसमें भी आपका फिजिकल थेरेपी में आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं यूज़ में आएगी, बट स्टिल आपको जो है ये पता ज़रूर होना चाहिए कि हाइब्रिड इमेजिंग क्या होती है, और उसमें हमारे पास अगर हमने जो बेसिकली हमने जो कंपेयर्स बनाए हुए हैं या जो हमने पेयर्स बनाए हुए हैं इसी मोडलिटीज़ के, वो कौन कौन से पेयर्स हैं, ठीक है जी। द जनरल बेनिफिट्स ऑफ हाइब्रिड इमेजिंग इंक्लूड इंक्रीज डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी, ठीक है जी, जैसे कि हमने MRI स्पेक्ट किया तो MRI ने ज़्यादा टिश्यू के ऊपर फोकस कर दिया और स्पेक्ट ने क्या कर दिया, एट द सेम टाइम उसी टिश्यू की
बायोलॉजिकल चेंजेस हमें बता दिए, ठीक है, तो अब हमें क्या हो जाएगा, बड़े अच्छे से हमारा डायग्नोसिस बन जाएगा। इसी तरह से फर्दर स्टेप टूवर्ड्स इंडिविजुअलाइज मेडिसिन, ठीक है जी, कि हमने कोई भी एक पेशेंट को सिंगल मेडिसिन देनी है और हम कह रहे हैं कि हम उसको मजीद जो है वो दो चार इंटरवेंशन की तरफ ना लेके जाएँ, तो वो भी हमें हाइब्रिड इमेजिंग, क्योंकि आपको डायग्नोसिस अच्छा दे रहे हैं ना, आपकी डायग्नोसिस की एक्यूरेसी को बढ़ा रहा है, तो जब एक्यूरेसी डायग्नोसिस की बढ़ जाएगी आपको पता चल जाएगा कि ये 99.9% यही डायग्नोसिस है पेशेंट का, तो हम जो भी उसको मेडिसिन देंगे, जो ट्रीटमेंट देंगे, वो क्या होगा, बेहतर होगा। प्रिसाइज मॉनिटरिंग ऑफ इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स, ठीक है जी, जो भी इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स हैं उसको भी हम इससे बड़ा अच्छे से जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इमेजिंग मोडेलिटीज़ हैं इसमें से कुछ मोडेलिटीज ऐसी भी हैं जिनको हम एज अ इंटरवेंशन जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। देन रिड्यूस रेडिएशन एक्सपोजर, ठीक है, पेशेंट का जो रेडिएशन एक्सपोजर बार बार है, जैसे कि अगर हम जो है वो पेशेंट को 3 दफ़ा सीटी स्कैन करवाएं, ठीक है, हमें क्लियर नहीं हो रहा कोई जो है वो पेशेंट डिजीज़ और हमें इसको 3 से 4 दफ़ा सीटी स्कैन कराना पड़ रहा है, या हम उसको अभी सीटी करा रहे हैं, कभी एमआरआई करा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि हम दो इमेजिंग को जो मोडेलिटीज़ हैं उनको कंपेयर कर लें, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक हमने सीटी करा दिया, उसने जो है वो क्या बता दिया, इमेजेस क्रॉस सेक्शन दिखा दिए, और साथ हमने क्या कर लिया जो है वो पेट करा दिया, उसने क्या करा दिया हमें उसका जो है वो फोकस कर लिया किसके ऊपर, उसकी फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल चेंजेस के ऊपर, ठीक है। ये एक बेसिकली आपको इमेज नज़र आ रहा होगा, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बट स्टिल इसमें आप देखें कि हमें जो है वो क्या है, पेशेंट का जो है वो वर्टिब्रा भी जो है वो क्लियर हो रहा है, ठीक है, और जहाँ पे कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस आई हुई है वो भी जो है वो क्लियर हो रही है, ठीक है। तो हाइब्रिड इमेजिंग में क्या हो रहा होता है कि एट द सेम टाइम जब हम दोनों जो है वो एट द सेम टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि एक मोडेलिटी का हमने इमेज लिया और दूसरी मोडेलिटी का इमेज लिया, अब उन दोनों को जो है वो हमने क्या किया, कंपेयर करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आप सबको, न्यूक्लियर मेडिसिन का पता चल गया आपको क्या होती है, क्या न्यूक्लियर मेडिसिन में और रेस्ट ऑफ द रेडियोलॉजी में क्या दो डिफरेंसेस मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद जो तीन हम जो पेट स्पेक और गामा कैमरा, ये जो तीन मोडलिटीज हम बेसिकली न्यूक्लियर मेडिसिन में यूज़ कर रहे हैं, उनके हमें क्या जो है वो बेनिफिट्स होते हैं, और जो हाइब्रिड इमेजिंग है वो क्या होती है। ठीक है बच्चे, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है बच्चे, ओके, अ पेशेंट विद प्रेजेंटेशन ऑफ हेड ट्रॉमा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस लेवल, व्हिच टेस्ट इज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर अर्ली डायग्नोसिस? जी ईमन जावेद बेटा, आप बताएं। ये हमने कर लिए थे बेटा, ये रह गए थे हमारे, रहते हैं मैम। ईमन जावेद क्लास में प्रेजेंट नहीं है, ईमन जावेद बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप रिस्पांस नहीं करते तो मैं आपकी एब्सेंट काउंट कर रही हूँ, ठीक है, और आपकी मैं असेसमेंट प्लान में आपकी 5% क्लास प्रेजेंटेशन है। बताएं और पेशेंट विद ये जो फर्स्ट एमसीक्यू है इसका क्या आंसर है इसमें से? एनी अदर वॉलंटियर? मैम सिटी स्कैन होगा। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, ओके, विच मोडेलिटी इज कंसीडर्ड टू बी सेफ इन डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर अगर एज जो है वो 30 ईयर से ज्यादा है? ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आप एक्सरे भी यूज कर सकते हैं। अक्सा बताएं, अक्सा नोरीन अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं बेटा, अल्ट्रासाउंड नहीं करेंगे, मैंने आपको शायद पहले बताया था कि अगर 30 इयर्स से कम होता है ना पेशेंट की एज तो अल्ट्रासाउंड हम कर सकते हैं, ठीक है, और अगर 30 से ज्यादा एज है तो फिर हम उसको मैमोग्राफी करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इन द डायग्नोसिस ऑफ थायराइड कैंसर व्हिच इज द फर्स्ट टेस्ट टू बी डन? थायराइड अल्ट्रासाउंड, थायराइड स्कैन, थायराइड सीटी स्कैन और थायराइड एमआरआई? हाँ जी अली सईद बेचे, आप बताएं जल्दी से, शाबाश, इसका आंसर क्या हो सकता है? यस मैम, मैम थायराइड स्कैन। थायराइड कैंसर के लिए क्या कर सकते हैं मैम? थायराइड स्कैन। हाँ जी बिल्कुल, थायराइड अल्ट्रासाउंड बेटा दोनों कर सकते हैं, लेकिन स्कैन जो है वो बेसिकली हमारे पास ज्यादा जो है वो इसमें यूजफुल होगा, ठीक है। यस मैम। If a patient having suspicion of very aneurysm in the brain, which scan is considered to be gold standard? ठीक है जी, very aneurysm है या simple aneurysm है, तो इसमें से कौन सा जो है वो gold standard test होगा? PET, SPECT CT, planar imaging या MRI brain? जी ये मुझे बताएं कि असद सैफ, तो आप बताएं। मैम PET। ऊपर लगा रहे हैं। No, क्या होता है?
एनियोरिज्म क्या होता है बेटा जल्दी से बताइए मैम, एनियोरिज्म होता क्या है? फरहाद हसन बच्चे आप बताएं। मैम जो आपने भी रिसेंटली बताया था कि जो ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो जाती है, ये आप सब बच्चों ने पढ़ के आना है, नेक्स्ट सेक्शन में मैंने आपसे पूछना है, ठीक है? मैम जिसमें आर्टरीज की वॉल्स होती हैं वो जैसे स्वेल हो जाती हैं, लाइक वीक हो जाती हैं और रप्चर हो जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं, वीक होकर रप्चर हो जाती हैं, क्या करेंगे इसमें से यूज? एक्सपेक्ट नहीं करेंगे मैम इसमें हम चले। ये बच्चे आप लोगों का जो है वो बेसिकली ये होम टास्क है, ठीक है? ये आप लोगों ने इसको देख के आना है कि क्या होगा इसमें, ठीक है? ओके जी, अ पेशेंट हैविंग डी ग्राफ्टेड आरएफटीज एंड कंप्लेंट ऑफ ऑलिगोयूरिया, वी हैव टू चेक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, बेस्ट मोडलिटी ऑफ चॉइस इज पेट सीटी, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, डायनामिक रीनल स्किंटीग्राफी। डायनामिक रीनल, वेरी गुड शाबाश। बेटा आप लोग जो सारे स्टूडेंट्स क्लास अभी ख़त्म होने से पहले ही क्लास छोड़ के जा रहे हैं, तो आप जो है ये देख लेंगे बेटा अटेंडेंस जो है वो इस तरह से काउंट नहीं होगी, ठीक है? ठीक है बच्चों, कोई क्वेश्चन है तो बता दें। एक्चुअली आज क्लास ज़रा थोड़ी सी लेट हो गई और जो हमारा लेक्चर था वो हम ठीक से पढ़ ही नहीं सके। एक्सरसाइज मैंने आज आपको स्टार्ट करवाना था। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम, एक बार एमआरआई कंट्रास्ट स्टडीज बता दें। एमआरआई कंट्रास्ट, बेटा मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी हम लोगों ने जो है वो बेसिकली क्या करना होता है, कंट्रास्ट स्टडी करनी होती है। कंट्रास्ट स्टडी क्या होता है? मैंने आपको कंट्रास्ट स्टडी बताई थी ना, कंट्रास्ट स्टडी होती है कि डीप स्टडी करेंगे। नहीं, डीप स्टडी तो नहीं थी मैम, उसमें कोई ड्राई डालेंगे, कलर डालेंगे। वेरी गुड शाबाश। ठीक है, मैंने आपको बताया था बेटा कि कंट्रास्ट क्या मतलब होता है, कि हमने कोई कंट्रास्ट दे दिया, ठीक है? यानी कि एक कोई डाई इंजेक्ट कर दिया, कोई मेडिकेशन इंजेक्ट कर दिया, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि इमेज हमारे पास मजीद एक क्या होता है, बड़ा इजीली क्लियर हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था फ्लोरोस्कोपी में, ठीक है? फ्लोरोस्कोपी में हमने देखा था कि हमने पेशेंट के रेक्टम के अंदर हमने उसके कोलोन को जो था वो क्या करना था, इसका एक इमेज लेना था, क्लियर इमेज लेना था, ठीक है? तो हमने क्या किया था, फ्लोरोस्कोपी में इंजेक्ट कर दिया था डाई, ठीक है? उस डाई ने क्या किया था कि कोलोन को जाके एक्सपैंड कर दिया था, मजीद विजुलाइज कर दिया था, और वो इमेज हमारे पास बड़ा इजीली इजीली जो है वो विजुलाइज हो गया था, और हमें पता चल गया था कि कोलोन के अंदर क्या कहीं कोई डिस्टर्बेंस आ रही है, कोई लंप बना हुआ है, कोई नोड्यूल बना हुआ है, ठीक है? तो इसी तरह से एमआरआई कंट्रास्ट में भी यही होता है कि हम पेशेंट को इंजेक्ट जो है वो कर देते हैं कोई भी डाई, ठीक है? अब वो डिफरेंट डाइज होते हैं, ठीक है? वो आप बेशक आप ना याद करें, लेकिन आपको ये सिर्फ पता होना चाहिए कि कोई भी डाई इंजेक्ट कर देते हैं पेशेंट के अंदर, ठीक है? और वो मैंने आपको बताया था डाई पेशेंट को हम इंजेक्ट भी कर सकते हैं, वो इनहेल भी कर सकता है, वो स्वॉलो भी कर सकता है, ठीक है? अब फिर वो स्पेसिफिकली जो डाई होता है वो जाके उस एरिया को एक्सपैंड कर देता है, और हमें जो है वो पता चल जाता है कि उस एरिया के अंदर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो किस लेवल पे है, ठीक है बेटा? क्लियर होगा? फरियाल ने यस मैम, यस मैम, यस। ठीक है बच्चों, और कोई क्वेश्चन? आप लोग सारे स्टूडेंट्स जो है वो एलएमएस पे एनरोल्ड हैं, अब मेल्स आ रही है आप सबको? यस मैम, यस। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे? अब इंशाल्लाह नेक्स्ट मैम मुझे मेल नहीं आ रही, रिसीव हो रही आपकी। आपका क्या नाम है बच्चे, आप मुझे मेल करें। जी मैं मेल कर देता हूं मम्मी। अच्छा, आप लोग ये भी देख लें आप लोगों के पोर्टल्स क्यों ब्लॉक है, एलएमएस क्यों ब्लॉक है, पीछे से क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? उसको भी सॉर्ट आउट करना है। एलएमएस भी ठीक, एलएमएस भी ठीक है मैम, पोर्टल ओपन है। चले ठीक है, ठीक है बच्चों, साथ साथ पढ़ते जरूर रहें, क्योंकि मैंने आपको नेक्स्ट वीक में जो है वो असाइनमेंट फिर आपको देनी है, ठीक है? जो कि ईद के बाद आपसे मैंने असाइनमेंट लेनी होगी, इसलिए साथ साथ पढ़ते रहें और टाइम पे जो है वो क्लास को ज्वाइन जरूर किया करें, ठीक है बच्चों? एनी अदर प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है, क्लियर हो रहा है? रेडियोलॉजी में कोई मुश्किल तो नहीं आ रही? नो मैम, नो मैम। चले ठीक है, इंटरेस्ट से पढ़े इसको बेटा, ठीक है? तो आपको ज़्यादा इजी लगेगा, ठीक है? इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में। और हाँ जी, एक क्लास अनाउंसमेंट ये थी कि जो स्लॉट का मैंने आपसे कहा था, स्लॉट जो है वो आपके सेम ही रहेंगे, ठीक है? कोई चेंज नहीं होगा स्लॉट के अंदर। ओके बच्चों, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।